हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन अनदर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको नीतू मैम की ये जो वॉल्यूम 1 वाली इंग्लिश वाली बुक है, इसका मैं आपको मेरा ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ। मे बी आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, फिर आपका पर्सनल ओपिनियन इस बुक के बारे में कुछ और हो सकता है, बट मैं वो बोलूँगी जो मुझे फील हुआ। एंड हाँ, कोई इस बात में कोई बुरा ना माने, दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। और हाँ, जो मुझे इस बुक के बारे में फील हुआ, जो भी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, वो बोलूँगी। मैं वो नहीं बोलूँगी जो कोई भी क्लीशे आंसर होता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने देखा था कि नीतू मैम ने बोला था अपनी एक वीडियो में, जब मैं इस बुक को ऑर्डर करने की सोच रही थी तो मैंने सोचा कहाँ से ऑर्डर करूँ, तो मैंने देखा कि नीतू मैम ने एक वीडियो में बोला था कि आप इस बुक को हमारी वेबसाइट से ही ऑर्डर करें। तो KD पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है, मैंने उससे कम से कम इस बुक को 1 घंटे तक ऑर्डर करा और उसमें बार बार एरर, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। 1 घंटे तक मैं उसको ऑर्डर करती रही। इस बुक को मैं KD पब्लिकेशन की वेबसाइट से 1 घंटे तक ऑर्डर करती रही, वो ऑर्डर नहीं हुआ। बार बार वेबसाइट में मेरा नेट भी सब कुछ ठीक चल रहा था, बार बार एरर बार बार यही आ रहा था, तो मेरा हो गया था दिमाग खराब। तो इसलिए, हालांकि मैम ने अपने वीडियोज़ में बोल रखा है फ्लिपकार्ट अमेजोन से नहीं, वेबसाइट से करें, तो वेबसाइट से नहीं हो पाया। तो अगर कोई भी ये वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ वेबसाइट में थोड़ा सा ध्यान दे। हो सकता है इसीलिए लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट में एक्चुअली कुछ इशू है। 1-1.5 घंटा मेरा बर्बाद हुआ, 1 घंटा तो मेरा बर्बाद हुआ, फिर भी वो ऑर्डर नहीं हुई। तो फाइनली मैंने ये वाली बुक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी फॉर ₹335, डिलीवरी चार्जेस एंड ऑन लगा के मुझे ₹335 की मिली। ठीक है, तो पहला कंसर्न तो मेरा यही है कि KD पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है उससे इस बुक को ऑर्डर कर रहे हैं तो वो नहीं हो रही है। आई डोंट नो ये मेरे ही साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, तो वो भी बताना। तो मेरे से तो नहीं हुई थी, तो इस चीज़ पे ध्यान दें। बाकी इस बुक के अगर हम कंटेंट की अगर हम बात करें तो इस बुक में, मतलब अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता है, बेसिक से इंग्लिश पढ़ना है उसको, जो ये सब एग्ज़ाम होते हैं ना, SSC, रेलवे, इन सब जिन भी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है, और आपको अगर बेसिक से इंग्लिश पढ़ना है तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बुक रहेगी। वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब की डेफिनेशन तो सेम ही रहती है ऑलमोस्ट सारी बुक्स में, लेकिन इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात रही, इसमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से समझाया गया है। प्लस इसमें जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, हर चैप्टर के एंड में वो प्रैक्टिस वाले इतने सारे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कि अलग अलग टाइप के आपके लिए क्वेश्चन दिए गए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि बहुत बुक्स में होता है कि अरे ठीक है 8-10 क्वेश्चन दे दिए गए, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें भर भर के आपको आपकी प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आपको कोई और सोर्स ना रिफर करना पड़े या फिर अलग से आपको गूगल एंड ऑल से प्रैक्टिस क्वेश्चन ना लगाने पड़े। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए गए हैं वो थोड़े से चैप्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इस बुक का जो इंडेक्स है उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूँगी। तो इस बुक में जो चैप्टर्स है जो कवर किए गए हैं वो है वर्ब, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चंस, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की, वो सारे चैप्टर्स इस बुक में कवर किए गए हैं। तो अगर कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC, रेलवे, जिन सब में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। बट अभी मुझे पता नहीं कि ये बुक भी ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी। ठीक है, तो कोशिश करें कि KD पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है उससे ही ऑर्डर करें। बाकी आई लव दिस बुक अबाउट नीतू मैम, द वे शी स्पीक्स, आई रियली लाइक हर। और वो जिस तरीके से बोलती हैं, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि आई एम ऑल्सो लाइक दैट, कि मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और जो भी मन में होता है उसे बोल देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि अच्छा मैं कैमरा पे क्या बोल रही हूँ, यूट्यूब में ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो या आई रियली लाइक हर एंड आई लाइक दिस बुक टू। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर।